हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th साइंस का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से डायरेक्टली आपको एग्ज़ाम हॉल में मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधों में जनन अंग हमारी पुष्प में पाई जाती है। कैसे? क्योंकि पुष्प में ही परागण क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप पौधे जनन क्रिया कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उसमें हमें क्या बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसमें होगी? सिंपल सा बात है कि वो सिर्फ कौन कर पाएंगे, हरे पौधे। ये वो कैसे कर पाएंगे? क्योंकि उसी में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया आसानी से कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर आता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हमारा जो ऑक्सीजन है वो हमेशा जल से बाहर आएगा। जल से बाहर कैसे आएगा? क्योंकि हमने पढ़ा था प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है, 6CO2 + 2H2O, और उधर क्या बनता है हमारा, ग्लूकोज बनता है, और प्लस में हमारा 6H2O भी बनता है, और प्लस में हमारा 6O2 भी बनता है। तो जल के माध्यम से ही ये हमारा प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर आता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। तो जठर ग्रंथियां बोलने का मतलब जो हमारे भोजन के पाचन में जरूरी है, जो भोजन के पाचन में हमारी मदद करती हो, तो वो हमारा अमाशय में पाया जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि जठर ग्रंथियां अमाशय में ही पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? तो सबसे बड़ी बात कि वो तो इंसानों में होती है, तो स्टोमाटा तो होगा ही होगा, और केंद्रक में नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगा, पच कौन जा रहा है, कोशिका द्रव। कोशिका द्रव कैसे? क्योंकि ये इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म ही बोलते हैं, बिकॉज साइटोप्लाज्म इज़ द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़। यहीं पर ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया भी संपन्न होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनती है। तो बेसिकली हमारी दो टाइप की श्वसन होती है, एक वायवीय श्वसन और एक अवायवीय श्वसन। तो इथाइल एल्कोहल हमारा किण्वन, इथाइल एल्कोहल हमारा किण्वन की प्रोसेस से बनती है, जो कि अवायवीय श्वसन के अंदर आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि हमारी कौन होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। आप कहोगे कि ये कैसे हो गया पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि ये हमारी कपाल की स्फेनॉइड की हड्डी में पाया जाता है, बिल्कुल कपाल के मध्य में पाया जाता है, और यही सबसे छोटी ग्रंथि होती है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, पौधों के वायवीय भागों में जल का ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है, अर्थात पानी निकलता है उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि पौधों के पत्तियों पर हल्की हल्की जल की बूंदें नज़र आती है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग वाष्प उत्सर्जन, यानी कि जल का वाष्प के रूप में पौधों से बाहर आना कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, घेंघा रोग पनपता है। तो घेंघा रोग आपका किसके कमी से पनपता है, तो वो हमारा आयोडीन की कमी से पनपता है। ये कैसे हुआ? हमने पढ़ा था कि थायरोक्सिन ग्लैंड को स्रावित क्या करती है, थायरोक्सिन, और उसके संश्लेषण के लिए हमें आयोडीन की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को हम लोग क्या कहते हैं। तो सिंपल बात है कि उसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। यही हल्के पीले चिपचिपे द्रव होता है, और हमारे रक्त का करीब 45% भाग प्लाज्मा ही होता है, और शेष 55% भाग में ही WBC हो, RBC हो, प्लेटलेट्स हो, ये सब
आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। 11 में कह रहा है रक्तचाप मापने के उपकरण को हम लोग क्या कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपने देखा होगा डॉक्टर के यहाँ बाह के बगल में लगाकर हम लोग नापते हैं, तो उसको हम लोग स्फिग्नोगैम्नोमीटर कहते हैं। इस यंत्र के द्वारा ही डॉक्टर लोग रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर बीपी को मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है वाष्प उत्सर्जन जो थोड़ी देर पहले ही आया था की क्रिया पाई जाती है। तो वाष्प उत्सर्जन बोलने का मतलब पौधों की पत्तियों से जल का निष्कासन। तो सिंपल सा बात है कि पौधों में ही होगा, पौधों और जंतुओं में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो इसे कैसे समझिएगा, जैसे ऊँट में रक्त पाया जाता है तो इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र हो जाएगा। सेम बात घोड़ा और मानव में भी होता है, इसमें रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जबकि तिलचट्टा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है जिसके माध्यम से वो लोग श्वसन क्रिया को नियंत्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है रक्त क्या है। तो आपने डिफिनेशन याद किया होगा, रक्त को हम लोग एक तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। ये विभिन्न ऊतकों के बीच संयोजन करने का काम करता है। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी हमारा ऊतक बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। तो सिंपल सा बात है कि वो हमारा यूरोक्रोम के कारण ही पीला नज़र आता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी बोलने का मतलब जो मादा भी हो और नर भी हो। तो सिंपल बात है हाथी तो होगा नहीं, गाय तो होगी नहीं, कुत्ता बिल्कुल नहीं, तो बच कौन जा रहा है, केंचुआ। आप ऐसे भी एग्ज़ाम में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, क्योंकि अगर तीन नहीं सही है तो चौथा सही होने ही वाला है। तो बेसिकली हमारा केंचुआ ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। तो यूरिया हमारा उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आता है। तो वो बेसिकली हमारी किडनी, आपने पढ़ा भी होगा, वो हमारी किडनी से प्रवेश करती है। तो किडनी को ही हम लोग हिंदी में ब्रिक भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है। जैव आवर्धन बोलने का मतलब, जैव आवर्धन बोलने का मतलब जैसे हम लोग बहुत सारे कीटनाशक का उपयोग करते हैं, तो उस वो धीरे धीरे हमारी आहार श्रृंखला में प्रवेश कर म्यूटेशन करवाना शुरू कर देता है। तो बेसिकली वो हमारा कीटनाशक जैसे कौन, DDT के कारण ये हमारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही होगा। अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहाँ पर आसानी से सॉल्व होंगे। और सिर्फ साइंस का नहीं, मैथ, केमिस्ट्री, एवरीथिंग, सब कुछ आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब जो जंतु पेड़ पौधे को खाते हैं, अर्थात जो जंतु शाकाहारी होते हैं उन्हें हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। भूमिगत जल बोलने का मतलब जो भूमि के अंदर से आता है, जैसे आपका कुआं इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर बात करें नदी का तो देखते हैं ये सतह पर ऊपर बहती रहती है। तालाब भी जस्ट लाइक ऐसा ही होता है, समुद्र भी आपकी सतहों पर बहती रहती है। तो भूमि के नीचे से कुआं ही एक ऐसा है जो भूमिगत जल का उदाहरण होगा। क्वेश्चन 21 में कह रहा है प्राकृतिक चुनाव का द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है। तो प्राकृतिक चुनाव से समझते हैं, इसे कहते हैं क्या है। प्राकृतिक चुनाव का मतलब इसे डार्विन ने दिया था, उनके अनुसार जो सबसे कमज़ोर जीव जंतु हुए वो ख़त्म हो जाएंगे और जो बलिष्ठ है, बलवान है, वही आखिर में बच जाएंगे। इसे ही हम लोग प्राकृतिक चुनाव कहते हैं, यानी कि इसे दिया था डार्विन ने, उन्हीं के नाम पर इसे हम लोग डार्विनवाद के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट होगा।
हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे हमारे क्या कहलाते हैं? उत्पादक। उत्पादक कैसे कहलाए? क्योंकि हमको पता होगा, कई बच्चों को ये भी पता होगा कि हम लोग खाना बनाते हैं, हम लोग खाना पकाते नहीं हैं, हम लोग खाना बनाते नहीं हैं। तो पेड़ पौधे ही हैं जो खाना बनाते हैं। किस क्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा वे भोजन बनाते हैं, इसलिए उन्हें हम लोग उत्पादक की श्रेणी में रखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडो उत्सर्ग का क्या कारण है? तो स्त्रियों में एक हार्मोन पाया जाता है आपका FSH, उससे ही हमारा अंडो उत्सर्ग यानी अंडों का जो अंडाणु का निकलना कहलाता है उसे नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, लैग्रेंज की द्वीपिका कहाँ पाई जाती है? तो लैग्रेंज की द्वीपिका हमारी कहाँ पाई जाएगी? आप सिंपल आंसर देख के देख लीजिए। जैसे आप बात करें ब्रिक का, ब्रिक मतलब किडनी, किडनी में बेसिकली कोई भी हमारा कोई भी द्वीपिका नहीं पाई जाती है, अंडाशय बिल्कुल नहीं, ये हमारी अग्नाशय में पाई जाती है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 यानी कि पैनक्रियाज बिल्कुल करेक्ट होगा। 25 में कह रहा है, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? मैंने थोड़े पहले बताया था, थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो थायरॉयड ग्लैंड से स्रावित होता है, और उसके स्रावित होने के लिए हमें आयोडीन का होना बिल्कुल आवश्यक है। यही थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में आसानी से उपयोग करता है। आपने देखा होगा कि नमक के पैकेट में, चाहे वो कोई भी नमक हो, टाटा नमक हो, कोई भी नमक हो, उस पर आयोडीन युक्त नमक लिखा होता है, क्योंकि आयोडीन नमक थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 26 में कह रहा है, निसल्स कनिकाएँ कहाँ पाई जाती है? तो निसल्स कनिकाएँ हमारी कहाँ पाई जाएगी? तो आपने पढ़ा होगा कि निसल्स कनिका नेफ्रॉन पढ़ा होगा आपने, तो उसमें ही ये बेसिकली हमारी निसल्स कनिकाएँ पाई जाती है न्यूरॉन में। कुछ इस आपने बुक में देखा होगा, स्टार टाइप फिगर होगा, उसके नीचे एक पूंछ टाइप निकला हुआ होगा, साइड साइड से डेंड्राइट्स निकले होते हैं, और इनके बीच में हमारी निसल्स कनिकाएँ पाई जाती हैं। किस में? न्यूरॉन में ये हमारी पाई जाती है। अगला है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो हमारी मानव मस्तिष्क का वजन लगभग आप बोल सकते हैं 1.5 से 2 kg हमारी मानव मस्तिष्क का वजन होता है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वो हमारा वास्तविक और उल्टा होता है, वो हमारा वास्तविक और उल्टा होता है। निकट दृष्टि तथा दूर दृष्टि के निवारण के लिए जो लेंस प्रयुक्त होता है वो हमारा उससे उल्टा, जो भी सिंपल बात है, जब भी आएगा वास्तविक मतलब वो हमेशा बनेगा ही उल्टा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। 29 में कह रहा है, साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में कौन प्रयुक्त होता है? जैसे आपने देखा होगा वाहनों में एक साइड में मिरर लगा होता है, आईना लगा होता है, तो उसमें हम लोग किसको उपयोग करते हैं? तो उसके लिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। लेंस नहीं मार दीजिएगा, ये हमारा उत्तल दर्पण है। कई बच्चे मार के चले आते हैं और फिर बाद में अफसोस करते हैं, तो उससे अच्छा है कि आप अभी पढ़ के जाएँ और एग्ज़ाम में बिल्कुल करेक्ट और करेक्ट ही आंसर टिक मारें। क्वेश्चन 30 में कह रहा है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवतल लेंस बेसिकली हमारा कैसा प्रतिबिंब देता है? तो वो हमारा सभी तरीके का हमारा प्रतिबिंब देता है। आप उसके थोड़े बगल में जाइएगा तो वो आभासी भी देगा, सीधा भी देता है, छोटा भी देगा, इसीलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी मारेंगे जो है इनमें से सभी। ऊर्जा का SI मात्रक क्या होगा? तो इसे आपको याद ही करना पड़ेगा। ऊर्जा का SI मात्रक आपका जूल होता है। मैं आपको बात एक बता दूँ, जितने भी SI मात्रक है उसे आप जरूर याद करके जाएं, चाहे वो किसी भी का हो, विद्युत धारा को हो, विभवांतर का हो, प्रतिरोध का हो, आप हमेशा SI मात्रक को याद करके जरूर जाएं, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आपके SI मात्रक के ही आ जाते हैं।
क्वेश्चन 32 में कह रहा है आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। तो हमारा आकाश नीला होता है परकिरणन के कारण। कैसे? क्योंकि हमें पता है आकाश में बादल होते हैं, जलवाष्प होते हैं, धूल होते हैं, जब उस पर प्रकाश पड़ती है तो बिखर जाती है और उस बिखरने की क्रिया को ही हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, यानी कि आकाश का नीला रंग हमारा प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है या फिर होता है। क्वेश्चन 33 में कह रहा है सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको कई बार मिल जाएंगे, हो सकता है इस बार भी ये क्वेश्चन पूछ ले। तो सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हमारी 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर नहीं मारेगा, 25 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो हमें करना क्या है, हमें फॉर्मूला क्या पता होना होता है कि हमारा फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू, मैं लिख देता हूँ, P इक्वल्स टू 1/F। और अगर आपका क्वेश्चन मीटर में है या फिर आप कह सकते हैं सेंटीमीटर में, तो आप इन यहाँ पर इंटू कर दीजिएगा 100 से, ये इंटू हो गया 100 से। अब डाल दीजिए मान, कितना बोल रहे हैं 50, डालिए 50, 1/50 गुना 100, ये कितना आपको आएगा 50 दूना 100, यानी कि आपका ये दो आंसर आ जाएगा। अब बात रहा प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो ये मैं आपको बात बता दूं, ये आपका बिल्कुल यहाँ पर प्लस आएगा, क्योंकि उत्तल लेंस का फोकस अंतर हमेशा हम लोग पॉजिटिव में लेते हैं, यानी कि प्लस में ही लेते हैं। अब बोल रहा है एक प्रिज्म कितने सतहों से मिलकर बना होता है या फिर घिरा होता है। तो एक प्रिज्म, जैसे ये आपको ये सामने वाला मैं थोड़ा फिगर दिखा दूँ, कुछ इस तरह का हमारा प्रिज्म नज़र आता है। तो प्रिज्म हमारा बेसिकली 5 सतहों से घिरा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा। जो हमारी नेत्र लेंस होती है उसकी फोकस दूरी में, जैसे कोई चीज़ बगल में वो भी हमें दिख जाती है स्पष्ट स्पष्ट, और अगर दूर भी है फिर भी वो हमें आसानी से नज़र आ जाती है, तो ये किसके द्वारा होगा। तो ये हमारे सिलियरी मांसपेशिया यानी कि पक्षपाशी पेशियों द्वारा ही ये नियंत्रित होता है। इसी कारण हम लोग दूर की वस्तु हो या फिर निकट की वस्तु हो आसानी से देख पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम। तो मुझे लगता है ये तो सबको पता होगा कि प्रकाश के परावर्तन के दो ही नियम होते हैं। आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा कि ये हमारा मिरर होता है और इस पर लाइट आती है और ऐसे चली जाती है, और यहाँ पर कोण बना के जाती है, बीच में होता है अभिलंब। तो बेसिकली दो नियम होते हैं प्रकाश परावर्तन के। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक, जो फोटो खींचने में काम आता है जो लेंस होता है वो किसका बना होता है। जैसे हमारे आँखों में कौन लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, बिल्कुल इसमें भी वही लेंस होता है। मतलब उत्तल लेंस आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। मान लेते हैं कि ये हमारी अवतल दर्पण है, ये हमारी अवतल दर्पण है, बीच में होता है प्रधानच, चलिए बोल रहा है लंबवत आपतित होती है, मतलब प्रधान अक्ष के ये लंबवत आपतित होती है। तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो ये हमेशा आपको फोकस से मतलब एफ से होकर ही गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, 39 का आंसर होगा आपका ए, फोकस से ही वो गुजरेगी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। मैं बता दूं, हमेशा को ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं क्या है और है क्या। तो पूछ रहा है क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा। तो यदि एक प्रिज्म से एक वर्ण, मतलब कोई एक कलर का कुछ गुजरेगा तो क्या नहीं होगा। तो आप इसमें से को पता है कि कोई भी प्रिज्म से जब हमारी श्वेत प्रकाश गुजरती है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है,
सात रंगों में वो विभक्त हो जाती है, अर्थात उसका क्या होता है, वर्ण विक्षेपण हो जाता है, अपवर्तन हमारा बेसिकली। आप इसमें, मुझे लगता है ये क्वेश्चन सही भी है, तो आप इसमें किसी भी हाल में इनमें से कोई ही नहीं मारकर आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरह चलते हैं, बोल रहा है पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने वा का काम मूलतः करती है। पवन विद्युत जनित्र, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े विंड मिल लगे होते हैं, जिससे हवा के माध्यम से, हवा के कारण ही उस चक्की को घुमाया जाता है और उससे हमारा करंट यानी कि बिजली को उत्पन्न किया जाता है। मतलब बोल सकते हैं गतिमान, जो हवा बहुत तेज चल रही है उससे ये पंखा घूमेगा और करंट उत्पन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है। कौन लेंस की? अवतल लेंस की। जैसे बता देता हूँ फिगर कैसा बनता है, ये हमारा कुछ इस तरह के तरीके का ये अवतल लेंस होता है। तो बोल रहा है क्या कि हमारा इसका वायु में जो शक्ति होगी वो कैसी होगी, तो इसकी वायु में शक्ति हमेशा ऋणात्मक होती है। ये कैसी होगी कि हमने पढ़ रखा है कि हम लोग एक निर्देशांक बिंदु होती है, उस निर्देशांक बिंदु के हम लोग उल्टे साइड अगर रहते हैं तो हमेशा उसका आंसर निगेटिव यानी कि माइनस में ही आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। सुचालक बोलने का मतलब जिससे करंट आसानी से पास हो जाए, तो इसका आंसर क्या होगा? ग्रेफाइट। क्यों ग्रेफाइट? आप बोलोगे कि ग्रेफाइट तो अधातु है। ग्रेफाइट तो अधातु है, इसके बावजूद भी इससे कैसे पास हो गया? क्योंकि केमिस्ट्री में पढ़ा था कि ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी इससे हमारा विद्युत धारा आसानी से पास कर जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। तो वक्रता त्रिज्या यानी कि आर दे दिया है हमको कितना, 1 मीटर, और पूछा है फोकस दूरी। तो सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल्स टू आर बाई टू। अब डाल दीजिए आर का मान, आर का मान कितना बोला है हम लोग को, आर का मान बोला है 1 मीटर बोला है, यानी कि कितना हो जाएगा 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, और बटा में क्या होता है 2। कैसे मैंने बनाया, एफ इक्वल्स टू आर बाई टू, आर कितना था 100, मैंने डाल दिया, बटा में 2 कितना कट जाएगा, ये हमारा 50 बार में कट जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 44 का जो हमारा आंसर होगा वो 50 सेंटीमीटर होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका आंसर होगा 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हुए किरण अभिलंब से विचलित होती है। सघन माध्यम बोलने का मतलब, जैसे मैं लेता हूँ, मान लेता हूँ हवा लिया और जल लिया, तो हवा विरल माध्यम है और जल सघन माध्यम है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से हमेशा दूर जाती है, अभिलंब से हमेशा दूर जाती है, क्योंकि सघन से अगर जाएंगे विरल में तो अभिलंब से दूर जाएंगे, लेकिन अगर विरल से जाएंगे सघन में तो अभिलंब की ओर जाएंगे, अर्थात अभिलंब के नज़दीक जाएंगे। लेकिन पूछ तो रहा है कि सघन से विरल, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग जनित्र बोलते हैं। इस जनित्र के द्वारा ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है। पारंपरिक स्रोत का मतलब, जैसे पता होगा ना, जो बहुत वर्षों से चला आ रहा है, तो बेसिकली आपको पता है कि कोयला का यूज बहुत पहले से कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, बट सौर ऊर्जा मतलब सोलर सेल हो, चाहे बायोगैस हो, पवन का बना हुआ जो ऊर्जा हो, ये सब बाद में आया है, स्टार्टिंग में हमारी कोयला का ही हम लोग यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी, कोल, बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 48 में कह रहा है कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के कारण घटित होगा। तो कांच की समांतर पट्टिका, ऐसे मान लेते हैं कि कांच की ये समांतर दो पट्टिकाएं हैं, ठीक है, उसमें हमारा क्या हो रहा है, हमारा अपवर्तन के कारण बात क्या घटित होगा। तो बेसिकली
फर्स्ट बार अपवर्तन के कारण को पता है कि वो हमेशा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अर्थात हमारा वो विचलन क्रिया हो जाएगी। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितनी की जाती है? देखा हो अपने हर घर में मीटर लगा होता है, तो हमारे जो घर में किया जाता है आपूर्ति वो हमारा 220 वॉट का ही करंट होता है। 220 वॉट का हमारा डायरेक्ट करंट आता है, मीटर में लगकर वो अल्टरनेट करंट बन जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो बिल्कुल सही है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? जस्ता की परमाणु संख्या। जस्ता बोलने का मतलब बहुत ईजी, जस्ता मतलब जिंक, यानी कि जेड एन की परमाणु संख्या क्या होती है? जिंक की परमाणु संख्या हमारी 30 होती है और यही हमारा सही आंसर है। आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि वो भी समझेंगे, वो भी पढ़ेंगे और आप भी तो पढ़ ही रहे हो। Thanks for watching video.